नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 विषय है आपका विज्ञान। कक्षा दसवीं का पेपर हुआ था, उसका सॉल्व पेपर लेके आए हैं, उसको हल करते हैं। पहले उसके दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले दिया गया है सही विकल्प का चुनाव करना है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, लोहा पूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो पहला है आ नंबर का हाइड्रोजन और गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो वो होगा 10। निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी, आपका पोटेशियम। चौथा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो इसका जल का वाहक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लैंगिक जनन का मुकुल द्वारा होता है, यीस्ट होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिक। तो जी आपके ये रहे क्वेश्चन, सही विकल्प देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो यह है मिट्टी। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल। तो ये पूरे सही विकल्प रहे, इसको देख लीजिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए आप। अगला क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, खाली स्थान देख लीजिए आप, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहले वाले में भरना है वियोजन अभिक्रिया, दूसरे वाले में आपका देख लीजिए, तीसरा देख लीजिए, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं तो समतापी प्रक्रम कहलाते हैं। अगला है दो तंत्रिक कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं, सिनेप्स। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, नर युग्मक या मादा युग्मक के संलयन को डेड 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 मतलब निषेचन कहते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठ गोलीय है इसको गोलीय दर्पण कहते हैं। प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, प्रिज्म। ये रहा आपका खाली स्थान देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सही जोड़ी का मिलन करना है। पहला है साधारण नमक का सूत्र, आप देख सकते हैं NaCl। द्रव धातु कौन सी आपकी, वो है आपका ब्रोमीन। क्लोरोप्लास्ट ये क्या है आपका, देख सकते हो आप, इसको आप देख लीजिए। ए देखिए आप, सुनने सूंघने देखने का क्षेत्र क्या है आपका, अग्र मस्तिष्क। अगला हाइड्रा में प्रजनन होता है, ये कैसे होता है, मुकुलन। अनुवांशिकी के जनक कौन है आपके, मेंडल। लेंस सूत्र कौन सा है आपका, एच नंबर में आप दे सकते हो आप, एच है इसका आंसर। सातवां है आपका विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है आपका, वो आपका दिया गया है आपका, अगला देख लीजिए, ई नंबर का, ई नंबर का जो दिया गया है वो इसका आंसर होगा, कुलाम करने। ये सही जोड़ रही, मिलान कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। तो धोने के सोडे का सूत्र क्या है, Na2CO3। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो वो है पारा। किसी यंत्र से रक्त दाव नापा जाता है, रक्त मापी या स्पाइनोमीटर के नाम से जाना जाता है। मानव मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं, तीन। डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो वे हैं 46। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो वो होते हैं 7। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक लिखिए, तो वो है आपका बोल। ये रहा पूरा प्रश्नों के उत्तर। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ऐसी ही वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए आप। जय हिंद दोस्तों।